रशियन फिल्म द रेड घोस्ट ये एक ऐसी मूवी है जो एक सैनिक 100 से भी ज्यादा लोगों को मारा। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ जर्मन सैनिकों ने एक आदमी और एक औरत को अरेस्ट किया है जिसका सर ढका हुआ है। उसे गोली मारने से पहले जर्मन ऑफिसर उसके मुंह से कपड़ा हटाने के लिए कहता है। वो शख्स कपड़ा हटाता है जो देखने में हिटलर जैसा दिखता है। वो आदमी ये कहते हुए रहम की भीख मांगता है कि वो सैनिक नहीं है बल्कि एक एक्टर है। उसे देखकर जर्मन सैनिक हंसते हैं क्योंकि उन्होंने कभी हिटलर को नहीं देखा। जर्मन ऑफिसर उस आदमी को कहता है कि हिटलर की एक्टिंग करो। वो आदमी हिटलर का एक्टिंग करता है। इसे देखकर जर्मन सैनिक खुश होते हैं लेकिन जर्मन ऑफिसर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तुरंत अपने सैनिकों से कहता है कि इसे मार दो। तभी गोली फायर होने का आवाज आती है लेकिन पीछे से कोई गोली मारता है जो कि वो गोली जर्मन ऑफिसर को लगती है। दूसरी गोली एक सैनिक को लगती है। बाकी बचा जर्मन सैनिक एक गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं। वो अपना हेलमेट ऊपर उठाकर स्नाइपर की पोजीशन जानने की कोशिश करता है। तभी एक गोली गाड़ी के टायर को चीरती हुई उसके सिर में लगती है जिसके बाद एक स्नाइपर सोल्जर बाहर आता है जो घायल है और उसके सर पर बैंडेज लगी हुई है। वो कुछ भी नहीं बोलता मरे हुए सैनिकों के बैग से खाना और गोलियां ले लेता है और वो वहां से चला जाता है। और वही सोल्जर ही रेड घोस्ट था जिसने एस्टर्न फ्रंट पर कई जर्मन सैनिकों को मारा है। एस्टर्न फ्रंट पर रेड घोस्ट के नाम से जर्मन सैनिक बहुत डरते हैं। रेड घोस्ट के जाने के बाद जर्मन सैनिक वहां पर आते हैं और जर्मन सैनिकों की डेड बॉडी देखते हैं जिन्हें स्नाइपर से मारा गया है। एक जर्मन ऑफिसर बताता है कि रेड घोस्ट ने पिछले 2 महीनों में 60 से भी अधिक जर्मन सैनिकों को मार दिया है। पास एसएस कर्नल रेड घोस्ट को पकड़ने के लिए कैप्टन ब्राउन को जिम्मेदारी देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सोवियत सैनिकों का एक ग्रुप जंगल से गुजर रहा है। चारों ओर सैनिकों की लाशें बिखरी पड़ी है और बारिश की वजह से और उन्होंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। उनके साथ एक प्रेग्नेंट लेडी जिसका नाम बीरा है जो कि मेडिक यानी कि घायल सोल्जर को दवाई देने का काम करती है। जैक इन सैनिकों की टुकड़ी को लीड कर रहा है। काफी दिनों तक जंगल में घूमने के बाद उन्हें एक रहने का जगह दिखाई देता है। ये घर काफी दिनों से बंद है क्योंकि सैनिक अंदर जाने से पहले ठीक से चेक करते हैं। फिर वो अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते ही उन्हें डाइनिंग टेबल पर काफी सारा खाना और दारू और पानी मिलता है। तभी हम देखते हैं कि एक सैनिक तुरंत ही दारू पीने की कोशिश करता है लेकिन दूसरा सैनिक आके उसे रोकता है। तभी वो दोनों आपस में लड़ते हैं। उनका कैप्टन आकर उन्हें रोकता है और कहता है कि यहाँ पर किसी भी चीज को छूने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें जहर भी हो सकता है। ये एक जर्मन ट्रैप है। अब रशियन लेफ्टिनेंट और प्रेग्नेंट बीरा और एक सैनिक को इसी घर में रुकने के लिए कहते हैं ताकि बीरा को कोई परेशानी ना हो। और तभी वो लोग वहाँ से खाने की खोज में चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद बीरा देखती है कि जर्मन सैनिकों का एक ग्रुप उस घर के पास आ रहा है। एक्चुअली ये कैप्टन ब्राउन और उसके आदमी हैं जिन्होंने रेड घोस्ट की तलाश में इस घर में जाल बिछाया था। वो घर के अंदर आते हैं और खाने को देखते हैं। खाना जैसा के वैसा था, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। तभी हम देखते हैं कि वो रशियन सैनिक पीछे के रास्ते से भागता हुआ अपने लेफ्टिनेंट के पास आता है और कहता है कि वो अकेला 30 जर्मन सैनिकों से नहीं लड़ सकता, इसीलिए वो बीरा को वहीं छोड़कर आ गया। ये सुनते ही ऑफिसर एक फाइट मारता है। कुछ टाइम के बाद जर्मन सैनिक उस घर को घेर लेते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बीरा घर के अंदर एक बॉक्स में छुपी हुई है। घर में जर्मन सैनिक रेड घोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तब एक सैनिक आकर उस बॉक्स पर बैठता है। तभी बीरा डर जाती है और तभी बॉक्स में से हल्की सी आवाज आती है जिसे जर्मन सैनिक सुन लेता है। और तभी वो जर्मन सैनिक आकर बॉक्स खुलता है लेकिन बीरा को वो कुछ भी नहीं कहता है और वो सैनिक बॉक्स का दरवाजा बंद करके चला जाता है जैसे कि वहां कोई था ही नहीं। और अब वो सैनिक वहां से बाहर जा रहा होता है। तभी ब्राउन उसे बुलाता है और वो फिर से बॉक्स को खोलने के लिए कहता है। उन्हें बीरा दिखती है, उसे बाहर निकालते हैं। वो काफी मुश्किल से स्टूल पर बैठ पाती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा है। जर्मन कैप्टन उसे पूछताछ करता है। बीरा कहती है कि वो वहीं रहती है और वो डर के मारे बॉक्स में छुपी हुई थी। डरी हुई बीरा को जर्मन ऑफिसर आश्वासन देता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। तभी एक जर्मन सैनिक की नजर ग्रुप फोटो पर जाती है जिसमें बीरा नहीं है। इसके बाद खोजबीन करने पर उन्हें वहां से बीरा की यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड मिलता है जिससे जर्मन सैनिकों को पता चल जाता है कि बीरा सोवियत सेना में मेडिको ऑफिसर है। इसीलिए कैप्टन बीरा को मारने का ऑर्डर देकर वहां से स्टिंग बैग के लिए चला जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नंगे पांव पर बीरा को बाहर लाया जाता है। उसका चेहरा खून से भीगा हुआ है। दूर से रशियन सैनिक भी बीरा को देखते हैं। वो लोग बीरा को बचाने का फैसला करते हैं। जर्मन सैनिक बीरा को मारने की तैयारी करते हैं। तभी बीरा कहती है कि एक प्रेग्नेंट महिला को मारने की सजा मिलेगी। तभी वो सैनिक बीरा को नहीं मारता है। इसके बाद वो अपने जूनियर सैनिक को अपनी गन दे देता है
और बीरा को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो जूनियर सैनिक अभी तक किसी पर भी गोली नहीं चलाई थी। अब उसे एक प्रेग्नेंट महिला को मारने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसका हाथ कांपने लगता है। फिर भी वो जूनियर सैनिक बंदूक उठाता है क्योंकि उसे अपने सीनियर की ऑर्डर का पालन करना है। तभी एक स्नाइपर गन से गोली चलती है और सैनिक के गले के आर पार हो जाती है। एक के बाद एक सभी जर्मन सैनिकों पर गोलियां चलती है। कुछ जर्मन सैनिक बचने के लिए घर के अंदर जाते हैं, तभी बीरा घास में छुप जाती है। तभी हमें रेड घोष दिखाई देता है, वो जर्मन सैनिकों की ओर हेड ग्रेनेड फेंकता है, जिसके बाद रशियन सैनिक उन पर हमला करते हैं। वही जर्मन रेड घोष्ट की तलाश कर रहे हैं, तभी बर्फ में से छुपा हुआ एक रशियन सैनिक बाहर आता है और जर्मन सैनिकों को मार देता है। इसके बाद रेड घोष्ट एक एक करके कई जर्मन सैनिकों को मार देता है। तब एक जर्मन सैनिक मशीन गन से उनकी ओर आ रहे रशियन सैनिकों पर फायर करता है, तभी रेड घोष्ट उसे एक ही शॉट में मार देता है। बाथरूम में से कैप्टन ब्राउन रेड घोष्ट को देखता है और अपने लेफ्टिनेंट से गन मांगता है, लेकिन उसके पास गन नहीं है। ब्राउन गन ढूंढने के लिए बाहर आता है, उसे जर्मन सैनिक कवर देता है। रेड घोष्ट उसे देखकर फायर करता है, लेकिन वो बचते हुए घर के अंदर घुस जाता है। अब रेड घोष्ट की गोलियां खत्म हो जाती है। तभी रशियन सैनिक वहां पर आ जाते हैं जो रेड घोष्ट को कवर देते हैं, और तभी रेड घोष्ट बाथरूम के अंदर चला जाता है। तभी अंदर छुपा हुआ जर्मन सेना उस पर गर्म पानी फेंक कर भाग जाता है। उस पर रशियन सैनिक फायरिंग करते हैं, लेकिन ठोकर लगने से नीचे गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है, और सभी अपनी पोजीशन पर फायरिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं। तभी ब्राउन अपने एक सैनिक से गन मांगता है। तभी वो सैनिक उसके पास गन फेंकता है, लेकिन ब्राउन से थोड़ी दूर वो गन गिरती है, जिसे वो खींचने की कोशिश करता है। तभी रेड घोष्ट गोली चलाता है, लेकिन ब्राउन राइफल पाने में कामयाब होता है। तभी वो देखता है कि एक सैनिक वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, जिसे मार दिया जाता है। अब ब्राउन के पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ब्राउन नेकेड है। वो वहां कपड़े ढूंढता है, लेकिन वहां पर सिर्फ महिलाओं के कपड़े मिलते हैं। अब रशियन सैनिक को उसे ढूंढने आते हैं, लेकिन तब तक ब्राउन वहां से भाग जाता है। तभी घर के अंदर से आवाज आती है, रशियन सैनिक डरते हुए दरवाजा खोलते हैं। तभी वो देखते हैं कि रेड घोष्ट बिल्कुल घायल है, वहीं बीरा को भी बचा लिया जाता है। अब सभी खाना खाते हैं जो जर्मन सैनिक अपने साथ लाए थे। वही एक जर्मन सैनिक अभी भी जिंदा है और मरने का नाटक कर रहा है। तभी एक रशियन सैनिक उसे लात मारता है, लेकिन वो चुपचाप दर्द सहते हुए मरने का नाटक जारी रखता है। कैप्टन ब्राउन बर्फ में महिला के कपड़े पहनकर भाग रहा है, जिसे दूर से देखकर जर्मन सैनिक दुश्मन समझते हैं, लेकिन नजदीक आते ही वो अपने कैप्टन को पहचान जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्राउन काफी गुस्से में है और वो फिर से नए अटैक की तैयारी करता है। सोवियत सैनिक भी अपने अगले प्लान की डिस्कस करते हैं। तभी बीरा की रोने की आवाज आती है, उसे लेबर पेन होना शुरू हो चुका है, लेकिन कमरे में एक ही आदमी ऐसा है जो कि उसकी मदद कर सकता है। तभी दरवाजे के बाहर पड़ा जर्मन सैनिक मौका देख वहां से भाग जाता है। वही जैक जानता है कि कैसे बच्चे को जन्म दिया जाता है। जैक की मदद से बीरा एक बेबी को जन्म देती है। तभी आवाज से रेड घोष्ट जाग जाता है और अपने स्नाइपर लेकर वहां से चला जाता है। जैक रेड घोष्ट को जाते हुए ये कहता है कि जर्मन सैनिक यहां पर कभी भी आ सकते हैं। बाकी सैनिक भी महसूस कर रहे हैं कि ये खतरनाक मौत होने वाला है। तभी सब अपने अपने हथियार लेकर अलर्ट हो जाते हैं। कुछ ही देर में कैप्टन ब्राउन अपने सैनिकों के साथ पूरे एरिया को घेर लेता है और बमबारी शुरू करते हैं। रशियन सैनिक पलटवार करते हुए कर्नल मशीन गन का मोटर फायर करने के लिए कहता है। तभी जर्मन सैनिकों को पीछे से गोली लगती है। तभी हमें फिर से रेड घोष्ट दिखाई देता है जो कवर लेकर फायरिंग कर रहा है। वही जर्मन SS कर्नल लगातार फायरिंग करने का ऑर्डर दे रहा है। तभी उसके पास एक ग्रेनेड आके गिरता है और बड़ा धमाका होता है। कैप्टन ब्राउन पीछे मुड़कर देखता है और मान लेता है कि कर्नल मारा गया, इसीलिए वो खुद जर्मन सैनिकों को लीड करता है। ब्राउन सैनिकों के साथ घर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। रेड घोष्ट अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। जर्मन सैनिक SS कर्नल को गोली मारता है। जर्मन और रशियन सैनिकों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, दोनों ओर से गोलीबारी होती है। वहीं रशियन सैनिक भी हमले का जवाब देते हैं। जर्मन सैनिकों की संख्या ज्यादा है, मशीन गन चला रहे रशियन सैनिकों के हाथ में गोली लगती है। जैक के साथ साथ बाकी रशियन सैनिक भी मारे जाते हैं। न्यूल अपने साथी को बचाने के लिए बाहर आता है, तभी ब्राउन उसे गोली मार देता है। वही मशीन गन चला रहे सैनिक घायल होने के बावजूद फिर से फायरिंग करता है, जर्मन सैनिकों पर हमला करता है। तभी एक जर्मन सैनिक उस पर हमला करता है, उसी वक्त रेड घोष्ट उस जर्मन सैनिक को मार देता है। वहीं एक रशियन सैनिक को होड़का मिल जाती है, जिसे पीने के बाद उसको और एनर्जी मिल जाती है और मशीन गन से कई जर्मन सैनिकों को मार देता है। उसे भी गोलियां लगती है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है।
तभी एक जर्मन सैनिक ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन घायल सैनिक उसका पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। ग्रेनेड वहीं फट जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। कैप्टन ब्राउन अंधाधुंध फायरिंग करता है, उस रशियन सैनिक को मार देता है। अब बैटल फील्ड में रेड घोस्ट और कैप्टन ब्राउन आमने सामने होते हैं और वो दोनों बहुत फाइट करते हैं। कुछ ही देर में ब्राउन रेड घोस्ट पर हावी हो जाता है, वो चलते हुए अंगारों पर गिर जाता है। कैप्टन ब्राउन अपना पिस्तौल निकालता है और रेड घोस्ट पर तान देता है। तभी रेड घोस्ट वहां पड़ी हुई चाकू उठाकर कैप्टन ब्राउन के पेट पर मार देता है। तभी ब्राउन का मौत हो जाती है। रेड घोस्ट बहुत ही ज्यादा घायल हुआ होता है और तभी उसे पीछे से गोली लगती है और वो गोली चलाने वाला था जर्मन लेफ्टिनेंट, जिसने पहले मरने का नाटक किया था और वहां से भागा था। रेड घोस्ट, जिसे जर्मन सेना डरती थी, उसे मारने के बाद लेफ्टिनेंट बहुत ही ज्यादा खुश होकर हंसने लगता है। तभी कहीं से गोली आकर उसे लगती है। तभी हमें पता चलता है कि एक रशियन सैनिक जो बच गया था उसने ही ये गोली चलाई थी। वहीं वीरा अपने बच्चे के साथ सैब है। जर्मन सैनिक अब भी रेड घोस्ट की तलाश कर रहे हैं। अब वो रेड घोस्ट का पता लगाने के लिए गांव वालों पर अत्याचार करते हैं। वो बच्चों पर गन तान कर उन्हें रेड घोस्ट के बारे में पूछते हैं। तभी कहीं से गोली चलती है और जर्मन ऑफिसर मारा जाता है। जो एक्टर और उसकी वाइफ को पकड़ा गया था वो डट कर जर्मनों का सामना करते हैं। गाँव वालों भी उन्हीं का साथ देते हैं। तभी हमें फिर से हाथ में स्नाइपर लिए एक सैनिक दिखाई देता है। वो कुछ नहीं बोलता, जर्मन सैनिकों की डेड बॉडी ढूंढता है और उनका एनिमेशन लेके वहां से चला जाता है। और यहां से हमें पता चलता है कि रेड घोस्ट जैसा बहुत सारे स्नाइपर्स हैं, जो कि ऐसे ही जर्मन सैनिक पर हावी होकर उन्हें मारते हैं। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।